हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हर कोई दंपति चाहता है कि उनका बच्चा सुंदर, गोरा और बुद्धिमान पैदा हो। आयुर्वेद के मुताबिक और कुछ पुरानी माताओं के मुताबिक कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं और कुछ ऐसे फल हैं जिसे गर्भावस्था के दौरान खाने से आपका होने वाला बच्चा गोरा पैदा होगा। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इन्हीं खाद्य पदार्थों के बारे में, फ्रूट्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम उस फल के बारे में बात करते हैं जिससे आपका होने वाला बच्चा गोरा पैदा होगा। वो फल है अंगूर। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि अंगूर में पाया जाने वाला अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड आपके शिशु के रंग को निखारने में मदद करता है। प्रेगनेंसी में हर रोज लगभग 50 ग्राम अंगूर का रस पीने से आपके बच्चे का रंग गोरा होता है। इसके साथ साथ प्रेगनेंसी में हो रहे बहुत सारी समस्याओं को भी यह अंगूर ठीक कर सकता है, जैसे कि चक्कर आना, दर्द होना, सूजन होना, कब्ज या अपच होना। दोस्तों, इसके साथ ही सौंफ खाने से होगा आपका बच्चा गोरा। भारत में बहुत सारे लोगों का मानना है कि गर्भावस्था के दौरान हर रोज सिर्फ चुटकी भर सौंफ खाने से होने वाला बच्चा गोरा पैदा होता है। इसमें बहुत सारे विटामिन सी, आयरन और कैल्शियम पाया जाता है, जो गर्भावस्था में हो रही मॉर्निंग सिकनेस जैसे कि जी मिचलना, उल्टी होना, चक्कर आना आदि को भी कम करता है और शिशु को पोषण देता है। नंबर 3, संतरा। संतरा खाने से भी बच्चा गोरा होता है। संतरे में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है, जो कि एंटीऑक्सीडेंट के जैसा काम करता है। गर्भावस्था में हर रोज एक संतरा खाने से आपके होने वाले बच्चे का स्किन टोन बढ़ता है, जिससे आपका बच्चा गोरा पैदा होता है। इसके अलावा ये गर्भवती महिला को बीमारियों से भी बचाता है। इसमें डाइट्री फाइबर भी होता है, जो कि आपकी पाचन शक्ति को ठीक करता है। नंबर 4, नारियल। गोरा बच्चा पाने के लिए नारियल या नारियल का पानी पीना। भारत में बहुत सारे पुराने बुजुर्गों का मानना है कि अगर गर्भावस्था के दौरान नारियल या नारियल का पानी हर रोज पिया जाए तो इससे होने वाला बच्चा गोरा पैदा होता है। दोस्तों, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, जो आपको गर्भावस्था के दौरान डिहाइड्रेशन से भी बचाए रखता है। इसके अलावा इसमें कैल्शियम और विटामिन सी भी पाया जाता है, जो आपके बच्चे की हड्डियों को मजबूत करता है। नेक्स्ट है केसर। आयुर्वेद और पुराने बुजुर्गों के मुताबिक गर्भावस्था के दौरान केसर वाला दूध पीने से होने वाले बच्चे का रंग गोरा होता है। केसर में विटामिन सी, विटामिन ए, आयरन, कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो आपके शिशु के विकास में मदद करता है। लेकिन गर्भावस्था के दौरान केसर वाला दूध पीने से पहले सावधानी बरतनी भी जरूरी है, क्योंकि आप गर्भावस्था के दौरान केसर अधिक मात्रा में लेते हैं तो इससे आपके शरीर में संकुचन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ सकता है, जिससे आपका मिसकैरेज यानी कि गर्भपात या समय पूर्व प्रसव हो सकता है। इसीलिए केसर वाला दूध गर्भावस्था के आखिरी 3 महीनों में ही पिया जाना चाहिए, यानी कि प्रेगनेंसी के 7वें, 8वें, 9वें महीने में केसर वाला दूध एक सीमित मात्रा में हर रोज पी सकते हैं। देसी घी खाने से भी बच्चा गोरा पैदा होता है। बूढ़े पुराने बुजुर्गों और आयुर्वेद के मुताबिक देसी घी खाने से होने वाला बच्चा गोरा पैदा होता है। देसी घी में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, जो आपके गर्भ में पल रहे शिशु के विकास के लिए बहुत जरूरी है। यही वह कारण है कि गर्भावस्था के दौरान डॉक्टर्स भी देसी घी की सलाह देते हैं, क्योंकि यह प्रसव के दौरान होने वाली बहुत सारी समस्याओं को दूर करता है। दोस्तों, लेकिन आखिर में मैं आपको यह बात भी बता देना चाहती हूँ कि किसी भी व्यक्ति का रंग उसके स्किन में मौजूद मेलेनिन के कारण होता है। यह मेलेनिन एक प्रोटीन होता है, जो आपकी स्किन के निचले स्तर के अंदर मौजूद होता है। जिस व्यक्ति के स्किन में मेलेनिन अधिक होता है, उसका रंग गहरा सांवला या काला होगा। उसी तरह से जिस व्यक्ति के स्किन में मेलेनिन कम होगा, उसका रंग गोरा और साफ होगा।
गर्भावस्था में गर्भ में पल रहे शिशु का रंग गोरा होगा या सांवला होगा या काला होगा, यह पूरी तरह से जेनेटिक होता है, यानी कि यह माता पिता के जीन्स पर निर्भर करता है कि उसका होने वाले बच्चे का रंग कैसा होगा। यही वह रीजन है जिससे शिशु का रंग गोरा हो जाता है। अगर मेलानिन बहुत ही ज्यादा बन जाए तो इससे शिशु का रंग सांवला या काला हो सकता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, गर्भावस्था के दौरान आपके होने वाले बच्चे को स्वस्थ, निरोग और बुद्धिमान होना ज्यादा जरूरी है, ना कि गोरा होना। यह मानना बिल्कुल गलत है कि सिर्फ और सिर्फ गोरे बच्चे ही सुंदर दिखते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सांवले बच्चे भी बहुत ही प्यारे होते हैं, इसलिए आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि गोरे बच्चे ही प्यारे होते हैं। और हाँ, गर्भावस्था के दौरान किसी भी तरह के फल या खाद्य पदार्थ खाने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें, क्योंकि गर्भावस्था के दौरान बहुत सारे फल और खाद्य पदार्थ खाने के लिए डॉक्टर मना करते हैं, क्योंकि इससे आपके गर्भ में पल रहे शिशु को नुकसान पहुंच सकता है। तो दोस्तों, आपको मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। आपका कोई सवाल है या सुझाव है वो भी आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपका हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूं। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ।